नमस्कार, मैं पूजा यादव लेकर हाजिर हूं आपके लिए चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब और देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें। चलिए नजर डालते हैं ताजा हेडलाइंस पर। हरियाणा भाजपा अध्यक्ष के ताजपोशी समारोह में सीएम के सामने अधेड़ ने काटी पैरों की नस, अफरा तफरी। मोहाली में कोरोना संक्रमित एक और व्यक्ति की मौत। चंडीगढ़ में लग्जरी गाड़ियों की फर्जी इंश्योरेंस बनाकर गाड़ियों के नाम करवाने वाला गिरोह चढ़ा पुलिस के हत्थे। दुष्यंत चौटाला ने कहा, जजपा भाजपा गठबंधन मजबूत, सभी चुनाव मिलकर लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट का राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर रोक से इनकार। नाहन के मोहल्ला गोविंदगढ़ में 110 लोग कोरोना की चपेट में, 20 एक साथ आए पॉजिटिव। अब सेना में महिला अफसर भी पा सकेंगे स्थायी कमीशन, रक्षा मंत्रालय ने दी मंजूरी। 100 ट्रेनें बंद कर सकता है रेलवे, टाइम टेबल में भी बड़ा बदलाव संभव। झारखंड में मास्क नहीं पहना तो देना होगा 1 लाख का जुर्माना, होगी 2 साल की जेल। अमिताभ बच्चन के फैंस के लिए खुशखबरी, कोरोना टेस्ट आया नेगेटिव, अस्पताल से जल्द मिल सकती है छुट्टी। अब खबरें विस्तार से। रोहतक शहर में भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष के पद ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री के सामने एक अधेड़ ने पैरों की नस काटकर आत्महत्या का प्रयास किया, वह लहूलुहान हो गया। पुलिस ने आनन-फानन में अधेड़ को पकड़कर अस्पताल में भर्ती करवाया। मोहाली में कोरोना से 13वीं मौत हो गई। वीरवार को मोहाली के सेक्टर 66 निवासी 52 वर्षीय पुरुष की मौत हो गई। उसे 21 जुलाई को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वहीं मोहाली जिले में कोविड-19 के बुधवार को 36 नए पॉजिटिव मामले सामने आए थे और वीरवार को चंडीगढ़ में शाम तक 20 नए मामले कोरोना पॉजिटिव आए हैं। चंडीगढ़ पुलिस वीरवार शाम को एरिया में पेट्रोलिंग कर रही थी। पेट्रोलिंग के दौरान जब पुलिस नीलम थिएटर की बैक साइड के पास, तो उन्हें एक शख्स मिला जिसने पुलिस को बताया कि उसने गाड़ी की 2000 देकर बीमा पॉलिसी एक व्यक्ति के माध्यम से करवाई है। जब बीमा पॉलिसी को चेक किया गया तो वह फेक पाई गई। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी एकजुट हैं, दोनों पार्टियां मिलकर आगे बढ़ेंगी और सभी चुनाव मिलकर लड़ेंगी। हरियाणा के हित के लिए दोनों दलों का गठजोड़ मजबूती से जारी रहेगा। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में एक सप्ताह से लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। वीरवार दोपहर को जिला सिरमौर में 28 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें से 20 कोरोना संक्रमित गोविंदगढ़ के हैं। इससे पहले मोहल्ला गोविंदगढ़ में 90 संक्रमित थे। हरियाली तीज सावन महीने के सबसे महत्वपूर्ण पर्व में से एक है। श्रद्धा और प्रेम के इस पर्व को सावनी तीज भी कहते हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं, 16 श्रृंगार कर निर्जला व्रत रखती हैं और पूरे विधि विधान से माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। कई साल पहले सावन की तीज के मौके पर गांव में मेले जैसा माहौल होता था। महिलाएं घरों से बाहर निकलकर लोकगीतों पर खूब मस्ती करती थी, पर वक्त के साथ और आधुनिकता के दौर में यह सब पीछे छूट गया है। मेरा नाम नेहा है एंड आज मैं हीना लगाने अपने हाथों पे आई हूँ, जस्ट बिकॉज हमारे यहाँ पे तीज का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, इसीलिए आप देख सकते हैं बाजार में भी बहुत भीड़ है, तो इसीलिए हैप्पी तीज टू ऑल ऑफ यू। मैं सुदर्शन कुमार भोपाल दी हट्टी कोटे वाले से बोल रहा हूँ। मार्केट में बहुत सलाह है, त्यौहार तीज का सिर पे है, उसका कोई गाँट नहीं है, कोई महत्व नहीं है। वजह मानते हैं बस महंगाई भी समझ लो या कोरोना की वजह समझ लो, सारी बातें हैं। अब तक के लिए इतना ही, फिर लौटूंगे आपके लिए देश प्रदेश की कुछ बड़ी ताजा खबरें लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए अर्थ प्रकाश टीवी। ताजा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।